भी बंदा ताला सब कुछ आपको मंदिर दिख रहा होगा इसका, जो कि पहले जो है इस। सलाम नमस्ते, मैं हूँ दिलीप कुमार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। हमने पटना जंक्शन का मार्केट दिखाया तो हमारे एक सब्सक्राइबर सुषमा पारी ने हमसे बोल दिया कि सर आपने बीटा का तो स्टेशन का ब्लॉग बना दिया लेकिन आपने बीटा का मार्केट नहीं दिखाया। तो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ बीटा के स्टेशन पर और यहाँ से मैं आपको यहाँ का पूरा मार्केट दिखाने वाला हूँ। अभी मैं बीटा स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ और इसको स्टेशन रोड का मार्केट भी बोलते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ और मेन मार्केट अभी शुरू होगा आगे से। मैं रेलवे लाइन के उस तरफ भी आपको लेकर के जाऊँगा, अभी मैं रेलवे लाइन के दूसरे साइड में हूँ। तो आपको दोनों तरफ आपको मार्केट दिख जाएगा। और हमारे वही सब्सक्राइबर हमसे पूछे थे सुषमा पारी ने कि आप कौन से कैमरे से ब्लॉग करते हैं। तो भैया हम जो है वीवो V21, एक ब्लॉगर की जान मानी जाती है वीवो V21, तो इसी से आप ये ब्लॉग को देख रहे हैं और आप मार्केट देख सकते हैं दोनों तरफ का। फिलहाल अभी मेन मार्केट में चलेंगे और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटी मोटी दुकानें आप लोग को दिख रही होंगी और बगल में कचरा भी है, थोड़ी बहुत सफाई की आवश्यकता है। देखा आपने दोनों तरफ का मार्केट। और अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मेन मार्केट में और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है बीटा। जी हाँ, बिहारी हूँ भैया, बिहार का चीज़ दिखाता हूँ। बिहार का हर वो सीन, हर वो स्टेशन, हर वो ट्रेन जो गुजरती है सब मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी तक आपने अगर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा, लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अभी हम आपको बीटा के मेन मार्केट में लेकर के आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एक पुल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने आपको एक पुल दिख रहा होगा जो कि पहले जो है इस रास्ता, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से पहले हम लोग जाया करते थे, लेकिन अब जो है जब से ये पुल बन गया, आप पीछे वाला ये पुल देख सकते हैं, जब से ये पुल बन गया अब यहाँ से आप सीधे आप जो है राघोपुर कंचनपुर निकल सकते हैं। बीटा के मेन मार्केट में ट्रेवल भी दिल्ली में एंट्री ले चुका है और आपको दिखाते हैं कि बीटा में क्या कुछ मिलता है। जी हाँ, हर कुछ जैसे हमने पटना जंक्शन का आपको दिखाया, हर वो सामान आपको बीटा में भी मिल जाएगा। आपको दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट दिखेगा। जी हाँ, दोनों तरफ आपको मार्केट दिखेगा, इधर भी आपको मार्केट, इधर भी आपको मार्केट, सेब अंगूर जो लेना है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑटो भी खड़ी होगी जो कि आपको यहाँ से जो है मनेर जा सकते हैं, दानापुर जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, तो हर जगह का आपको ऑटो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटा से। भीड़ वाले जगह में अगर आप ब्लॉग करते हैं, मैं उन यूट्यूबर से कहूँगा, तो अपने दाहिने बाएँ का ध्यान रखें। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि आपके मोबाइल के ऊपर जो है नज़र गड़ाए हुए हो और आप ब्लॉग कर रहे हैं और वो आपका मोबाइल लेकर के निकल जाए। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको मार्केट दिख रहा होगा, यहाँ पे कपड़ा आप ले सकते हैं, बिल्कुल पटना जंक्शन का जो हमने दिखाया है जस्ट वैसा ही है। देख सकते हैं हर जगह आपको जो है कपड़ा ये सब और सब्जी ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसे गौरवशाली भी कहा जाता है, इसीलिए तो हमने बोल दिया थंबनेल में कि बिहार वासियों का दिल है बीटा का मार्केट। और सामने आपको एक पुल दिख रहा होगा, पहले ये पुल नहीं हुआ करता था, इसके उस तरफ भी कपड़ों का मार्केट और सब्जी का मार्केट आपको दिखेगा, मैं आपको उधर भी लेकर के चलूँगा। अभी जिस पुल पे चल रहा हूँ, पहले ये पुल नहीं हुआ करता था, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग था और ट्रेनें जब आती थी आपको काफ़ी घंटों भर यहाँ पे रुकना पड़ता था क्योंकि क्रॉसिंग बंद ही नहीं होता था तो ट्रेनों को जो है सिग्नल मिलता ही नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब ये पुल बन गया है तो आप इस पुल पर से सीधे आप रेलवे ट्रैक को आप पार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि पुल बन गया तब भी ट्रेन, तब भी रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, ऐसा ना करें। वो बीटा स्टेशन के दूसरे तरफ लेकर के आ चुके हैं और इधर का आप देख सकते हैं मार्केट आपको दोनों तरफ दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले सामने समोसा बन रहा है, समोसा खा लेते हैं महाराज, आपसे बातें करते करते भूख लग गया और चलते हैं। तो गाड़ियों का ध्यान दे करके चले। जी हाँ, समोसा खा लेते हैं, समोसा खाने के बाद आपसे बातें करते हैं। इधर पड़ेगा कपड़ा का मार्केट और साथ में सब्जी का मार्केट। और हाँ, एक चीज़ और है, बाबा बिटेश्वरनाथ और राम जानकी मंदिर, ऐसे मैंने उसका ब्लॉग पहले किया है लेकिन फिर से आपको वहाँ का हम दिखा देंगे कि वहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं।
चलिए समोसा पहले खा लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो समोसा खा के निकल चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं सब्जी का मार्केट, क्योंकि कपड़े वाले में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपको राम जानकी मंदिर भी दिखाना है, तो सीधे मैं वहां से निकल जाऊंगा। लेकिन अभी मैं आ चुका हूं सब्जी के मार्केट में, और सब्जी के मार्केट में एंट्री लेते हुए मास्क नहीं लगाना है और कोरोना को फैलाना है। हाल अभी मैं आ गया हूँ सब्जी के मार्केट में, देख सकते हैं। जी हाँ, ये सब्जी का मार्केट है बीटा का। कभी मौका मिला तो दानापुर शहर को भी कवर करूंगा, चिंता मत करिए आप सब। जी हाँ, देख सकते हैं हर वो सब्जी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी चाहिए, आलू से लेके टमाटर से लेके मिर्चा से लेके जो चाहिए वो मिलेगा। देख रहे हैं मेरे पीछे आप सब्जी का मार्केट, देख रहे हैं गोभी बंदा पालक सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। सब्जी में बड़ी भीड़ है और जो है निकलना काफी मुश्किल हो रहा है, देख सकते पीछे कितना भीड़ है, मेरा कि इसे मेला लगा है। अब आपको कपड़े का मार्केट दिखाते हैं यहाँ का। सब्जी के मार्केट में तो हमारा पसेना छूट गया हुआ, अब कपड़ा के मार्केट में चला हुआ। कपड़े के मार्केट से होते हुए थुनी के निकल जाए कहाँ, बाबा बिटेश्वर नाथ और राम जानकी मंदिर। चलो और इधर सब होटल सब देख लो, और कपड़ा के मार्केट से पहले आपको दिखा रहे इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एगो आईटीआई कॉलेज है जो कि बीटा ब्लॉक के अमहारा और दिलवाड़ा गांव में स्थित है, और यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थल भी है जैसे कि बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर, राम जानकी मंदिर। तो ये सब आकर के यहाँ पर घूम सका हूँ। और तुनी से बात करते करते हम कपड़ा वाला मार्केट में एंट्री ले लेल हुआ है, तुनी के दिखावा हुआ। और यही है भैया आपका कपड़ा का मार्केट, आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ आपको कम्बल कपड़ा ये सब आपको दिख रहा होगा, और यही रास्ता सीधे आपको ले जाएगा बाबा बिटेश्वर नाथ और राम जानकी मंदिर। इससे पहले भी हमने बाबा बिटेश्वर नाथ और राम जानकी मंदिर को कवर किया, इधर आप बैग का मार्केट देख सकते हैं, लेकिन फिर से आपको लेकर के आ चुके हैं, कोई ऑटो पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे वहाँ पर आप पैदल ही पहुँच जाएंगे। मात्र आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा बीटा रेलवे स्टेशन से, और इधर आपको रुई मिलेगा, और इधर आपको साड़ी ये सब जो महिलाएं हमारी ब्लॉक को देख रही हैं तो ये सब भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। बेल्ट मिल जाएगा आपको, इधर आपको स्टेनलेस स्टील का सामान मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, मास्क मिल जाएगा, फिर इधर आप देख सकते हैं पंखा मिल जाएगा, डिश टीवी मिल जाएगा, तो जैकेट मिल जाएगा, हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा बीटा के मार्केट में। बात करते करते पहुंच गए बाबा बिटेश्वर नाथ, यही है आपके बाबा बिटेश्वर नाथ का मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूं, सामने आप देख सकते हैं ये बाबा बिटेश्वर नाथ का आपको मंदिर दिख रहा होगा, इसका हमने ब्लॉग पहले भी किया है, और सामने आपको दिखेगा राम जानकी मंदिर, दिख रहा है, दिखा तो सामने आपको दिखेगा राम जानकी मंदिर। थोड़ा करीब से आपको दिखा देते हैं राम जानकी मंदिर, क्योंकि ऐसे हमने कवर किया है, लेकिन थोड़ा करीब से आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, उसमें आपको दिखे होंगे रोशन पाठक ब्लॉग, उनके साथ हमने कवर किया है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं राम जानकी मंदिर, और ये क्या यहाँ पे हो गया, महाराज मेला लगा है महाराज राम जानकी मंदिर में, ये क्या हो गया, ये तो हम सोचिए कि नहीं आए थे कि ऐसा कभी होगा, लेकिन देखिए मेला लगा है, अब तो मेला आपको घुमाते हैं, लेट लगा है यहाँ महाराज, हम तो सोचिए कि नहीं आए थे कि मेला लगा है राम जानकी मंदिर के पास में, लेकिन मेला हमको, अरे बुआ साइकिल से चलाओ भाई, सामने देखिए सामने, इस पर हमने दुर्गा पूजा में खूब कूदा है, बाकी अब नहीं कूदते हैं महाराज, अब सियाना हो गए ना। इधर देखिए, इधर झूला देखिए, इधर वाह वाह क्या बात है, सोने पर सुहागा हो जाना। आए थे आपको बीटा का मार्केट दिखाने के लिए, लेकिन मेला वाला सब यहाँ पे लगा है, आप देख सकते हैं बच्चे लोग आनंद पूरा उठा रहे हैं, झूला का, नाव वाले बोट का, हर चीज का उठा रहे हैं लोग। जी हाँ, तो चलिए सुषमा जी का दिल से धन्यवाद, उन्होंने हमें बोला बीटा का मार्केट दिखाने के लिए, अगर वो नहीं बोलते हैं, हम सही समय पर नहीं आते हैं, तो शायद ये चीज छूट जाता। तो कैसा लगा आपको बीटा का मार्केट, सब्जी मंडी से लेकर के कपड़ों का मार्केट, हर कुछ हमने दिखा दिया, यहाँ तक कि हमने आपको यहाँ का मेला भी दिखा दिया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, और अपने ट्रेवल विद दिलीप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। अगर आपको राम जानकी मंदिर का और बाबा बिटेश्वरनाथ का आपको ब्लॉग देखना है तो आप जाकर के हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ हमने उससे पहले इसका ब्लॉग बना करके डाल दिया। चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।